कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। देश भर में आज ईद उल फितर की धूम है। एक महीने की इबादत के बाद आई मीठी ईद पर सुबह से ही रौनक दिख रही है। अलग अलग मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की है। खुशी के माहौल को कोई बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसकी भी पूरी तैयारियां की गई है। दिल्ली यूपी समेत अलग अलग राज्यों में पुलिस व्यवस्था भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि सोमवार शाम को शव्वाल का चांद दिखाई दिया था, जिसके बाद तय हुआ कि आज ईद मनाई जाएगी। चारधाम यात्रा आज से शुरू होगी। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट आज से खुलेंगे। इस दौरान चारधाम यात्रा के लिए कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट भी जरूरी होगी। और उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के आज अक्षय तृतीया के पर्व पर कपाट खुलने के साथ ही इस वर्ष की चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। केदारनाथ के कपाट जहां 6 मई को खुलेंगे, वहीं बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 8 मई को खुलेंगे। आज अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 11:15 पर खुलेंगे, वहीं यमुनोत्री धाम कपाट दोपहर 12:15 पर खुलेंगे। पिछले 2 सालों से कोविड-19 महामारी के कारण बाधित रही चार धाम यात्रा में इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने चारों धाम में प्रतिदिन दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या तय कर दी है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ईद का त्यौहार मुख्य त्योहारों में से एक है। रमजान के पाक महीने के आखिरी दिन जब चांद का दीदार होता है तो उसके अगले दिन ईद मनाई जाती है। इसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। वहीं ईद को रमजान महीने के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन गरीबों को दान देना, किसी भूखे को खाना खिलाने जैसे कई अच्छे कार्य करते हैं। वहीं अल्लाह की इबादत कर नमाज भी पढ़ते हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान प्रदेश के कई जनपदों में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की गई। सबसे पहले तो समस्त जनवासियों को ईद की शुभकामनाएं। आपने देखा कि पुलिस और प्रशासन के पूरे इंतजाम यहाँ पर थे और बहुत खुशनुमा माहौल में ईद की नमाज संपन्न हुई है और बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज ईदगाह पर अदा की है। और बाकी अब अलग अलग मस्जिदों में आधे आधे घंटे के वक्फे से ईद की नमाज होगी। वहाँ भी पूरे इंतजाम हैं, पूरे जनपद में इंतजाम किए गए हैं और बहुत पूर्ण सुरक्षा के साथ और शांति के साथ ईद की नमाज जो है वो अदा करेंगे। समस्त जनपद वासियों को ईद की शुभकामनाएं, ईद मुबारक। और व्यवस्थाएं जो यहाँ होती है पहले से की गई, सब लोग हर्षोल्लास से अपना ईद का त्यौहार मना रहे हैं। सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग तो तैयारियों में लगे हुए थे कई दिन से, नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई थी और बहुत अच्छे से नमाज अभी अलीगढ़ में अदा हो गई। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ईदगाह के सामने, तो बेहतर रहा। अब सब लोग धीरे धीरे अपने घर जा रहे हैं, यहाँ हो भी गया, नमाज हमारा पूरा हो गया। ये देखिए जो एरिया है ना शाहजमाल का, एक तरफ आप देख रहे हैं कि पुराना ईदगाह, नया ईदगाह और उसके बगल में इस शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। और ये जो पूरा एरिया है वो मुस्लिम अनुयायियों का ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। ट्रेडिशनली जो चीज़ें हैं धीरे धीरे, लेकिन अपील आपने देखा होगा कि हमारे मुफ्ती साहब ने परसों भी कल भी अखबार के माध्यम से और भी तरीके से उन्होंने दिया, सभी लोगों ने छापा भी कि सभी लोग कम से कम बाहर निकलें, अपने अपने मस्जिदों में सभी लोग नमाज पढ़ें। और इसको लोगों ने माना भी है और आपने देखा होगा कि काफ़ी पहले वर्षों की तुलना में लोग अपने मस्जिदों में पढ़े हैं और बाहर कम आए। ईद का जो पर्व है वो सबसे मनाया जा रहा है। सभी लोगों को मेरी और नियम सर की तरफ से ईद की शुभकामनाएं, अच्छी तरह से त्यौहार मनाना है। इसमें आज जो सुरक्षा व्यवस्था जो शासन की गाइडलाइंस थी कि कोई भी यातायात बाधित ना हो, कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन ना हो, उसको देखते हुए सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। सभी धर्मगुरुओं से लगातार बातचीत हमारी टीम ने की, पुलिस टीम, प्रशासन टीम ने काफ़ी मेहनत की है। काफ़ी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी, साफ सुथरी व्यवस्था, पानी बिजली सभी व्यवस्था जो है आज की गई है। और सभी लोगों का अच्छा सहयोग मिला है, जिसकी वजह से जो संवाद स्थापित किया गया, जिसकी वजह से बहुत
अच्छी तरह से मनाई जा रही है, नमाज अदा हो। देखिए एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं बता सकते, वो तो इतना है कि जामा मस्जिद पूरी भर चुकी थी और ईदगाह भी पूरी भर चुकी थी, ईदगाह के मैदान तक लोग नमाज अदा करी है लोगों ने। अब कैपेसिटी कितनी है वो अभी नहीं मालूम है, लेकिन यह है कि ज़्यादातर 70% लोगों ने, जो शहर आगरा के लोग हैं, इन दो जगह नमाज़ पढ़ी। तब्दीलियों का यह है कि पहले रोडों पे नमाज़ें हुआ करती थी, और जबकि अगर शरीयत और कुरान के हिसाब से भी देखें तो रोड पे नमाज़ जायज़ नहीं है। बार जो नमाज़ अदा की गई है उस नमाज़ के लिए आगरा की अवाम, आगरा की मुस्लिम अवाम बहुत बधाई की पात्र है। आगरा कप्तान, पुलिस कप्तान साहब, आगरा DM साहब, जिनकी सरपरस्ती के अंदर ये पूरे शहर के अंदर नमाज हुई है, वो सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। और आगरा के अंदर जो मुस्लिम समाज ने इंसानियत का जो पैगाम दिया है इस बार, वो काबिले तारीफ़ है। क्योंकि मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज़ें कम करी गई हैं, लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, वो किसी ने जान के नहीं हटाए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इसलिए हटे। उसके बाद भी मुस्लिम अवाम ने कहीं कोई विरोध, कोई प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए मुस्लिम अवाम ने दिखा दिया आगरा सुलेखपुर की नगरी है और वो जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना के रखने में विश्वास रखती है। कि ये खालिस जज्बाती मामला है, ये भावनाओं का मामला है। 2 साल के बाद जो यहाँ लोग आया करते थे, आज वो यहाँ पे आए। महाराज ये है और अल्लाह का शुक्र है, तो उन सब लोगों को जो यहाँ पे आए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और उन लोगों को भी जो हमें नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर आपस में भाईचारगी इत्याद मोहब्बत के साथ रहना है, यहाँ पर लड़ झगड़ कर नहीं रहना है। वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, लिहाजा मोहब्बत का इसका पैगाम है ही है कि प्यार मोहब्बत आपस में है। अब ये 2 साल बदल हुई है, ये हमारी तकलीफ है, लेकिन मौका मिला है और अल्लाह से उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसा नहीं होगा। ईद और अक्षय तृतीया को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं इस दौरान बदायूं, औरैया और एटा से तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस द्वारा पैदल गश्त किया गया, जिसमें जनपद के तमाम बड़े अधिकारी समेत भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं गश्त के दौरान अधिकारियों ने लोगों से आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। तो बदायूं, औरैया, एटा तीनों की तस्वीरें स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, किस तरह से बड़े अधिकारियों और पुलिस बल के साथ गश्त की गई है, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील भी की गई। ईद के पहले की जो शाम, उसके पहले हमने और DM साहब द्वारा, हम दोनों के द्वारा शहर में गश्त करी गई, पेट्रोलिंग करी गई, साथ ही साथ जो ईदगाह है जहाँ पे कल नमाज पढ़ी जाएगी वहाँ पे आके सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। और DM साहब द्वारा और हमारे द्वारा पुलिस को, साथ ही जो शासन प्रशासन में नगर पालिका और अन्य विभाग, उनको बताया गया है सकुशल त्यौहार संपन्न कराने के लिए। इसको लेकर के आज शाम हमने गश्त करी और कल की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और सभी तरीके से व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। देखिए सर, हमारे कल का ऐसा संयोग से दिन है कि जिसमें न मात्र ईद है बल्कि साथ में परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया भी है, तो इसको लेकर के हम लोगों ने हर तहसील में, हर थाने में, हर अपना सेंट्रल हमने कलेक्ट्रेट में इसकी जो शांति समिति की बैठकें की हैं, और सब लोगों से ये, सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि उसको बिल्कुल एकदम सहनशीलता के साथ, धैर्य के साथ, आपसी भाईचारे के साथ मनाएंगे। फिर भी प्रशासन सजग है। अलविदा के दिन भी हमने सुबह 4 बजे से ही अपनी टीम रवाना कर दी थी, कल भी 4 बजे से ही हमारे सुबह लोग लगेंगे और ये देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिल करके इस त्यौहार को सकुशल निपटाएं। ईद, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया के पर्व के दृष्टिगत भीड़ भाड़ वाले बाजार वाली एरिया में, जहाँ पर महिलाएं, बच्चे काफ़ी संख्या में इस समय बाजार में खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं, उनमें सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से और कल की त्यौहार के दृष्टिगत इस प्रकार के पैदल रूट मार्च पूरे जनपद में जगह जगह कस्बाई इलाकों में किए जा रहे हैं और पूर्ण रूप से सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है।
बांदा जिले में आयोजित हुए कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए बिजली की कटौती को लेकर कहा कि देश में कोयला संकट की वजह से कुछ दिन बिजली व्यवस्था खराब हुई थी, लेकिन सपा शासन काल से अच्छी बिजली अभी भी मिल रही है। साथ ही साथ उन्होंने हनुमान चालीसा पर चल रही सियासत पर कहा कि हनुमान चालीसा हम लोगों के जीवन का आधार है, इसे हम पढ़ते भी हैं और लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कुछ संकट होते हैं आप तत्काल के जिनके कारण दिक्कत आएगी, तो कोई सपा की सरकार नहीं कि हमेशा के लिए है। सपा की सरकार भी देखी और ये तो एक इमरजेंसी थी, इसमें कोयले की कमी आ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अमेठी के जगदीशपुर सीएचसी से सामने आए वीडियो में ये साफ जाहिर हो गया है कि आखिर किस तरह से सरकार के 100 दिनों के एजेंडे पर पानी फेरा जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह एक बंदर ग्लूकोज की बोतल लेकर बाहर आता है और उसे पीता हुआ नजर आ रहा है। इस ग्लूकोज से बंदर कितना स्वस्थ हुआ इसे तो शायद ही कोई बता पाए, लेकिन यह तय जरूर हो गया है कि अमेठी का सीएचसी बेहद गंभीर है। खबर औरैया से है जहां ईद उल फितर की नमाज हजरत बाबा शाह जमाल सास में स्थित ईदगाह में अदा हुई। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। साथ ही आपको बता दें कि सुबह से ही लोग ईद उल फितर की नमाज अदा करने को लेकर ईदगाह पहुंच रहे हैं। जिले के सारे मजिस्ट्रेट्स और सारे पुलिस ऑफिसर्स जो सभी लोग अपने अपने संबंधित क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। कहीं से कोई ऐसी बात कोई ये बात और जो लोगों की नमाज ईदगाह में नहीं हो पाती तो नमाज पढ़ते हैं, तो इसी लिहाज से बहुत सारी मस्जिदों में भी हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है और अच्छे से ईद। खबर औरैया से है जहां ईद तो आज मनाई जा रही है, लेकिन ईद उल फितर का चांद कल जैसे ही बादलों के बीच नजर आया मुस्लिम समुदाय में खुशी देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए चांद को देखकर मुल्क में अमन और चैन की दुआ मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह लाख 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 शुक्र एहसान और उसका है कि आज 30 रोजे पूरे हो चुके हैं और आसमानी दुनिया पर चांद तुलू हो चुका है और ये हमारे लिए बड़ा ही खुशी का मौका होता है, क्योंकि ये ईदुलफ़ितर जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इनाम इकराम का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इनाम और फजल करम फरमाता है और अपने बंदों पर नेमतों की बारिशों का नज़ूल फरमाता है, तो हमें चाहिए कि हम ईद का दिन जो खुशी का दिन है खुद भी खुशियाँ मनाएँ और साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को, अपने गरीब लोगों को, मिस्कीनों को, अपने दोस्तों अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को इस खुशी में शामिल रखें। तो बहुत खुशी है साहब, तो दो साल से तो ईद मना नहीं रहे हैं, अब जब मौका मिला ईद मनाने का तो बहुत खुशियाँ हैं। और जो है हम लोग सुबह 8 बजे जमात होगी, 8 बजे जमात के बाद में हम लोग ईद मुबारकबाद दें। खबर आगरा से है जहां इस्लामिया लोकल एजेंसी की तरफ से ईद उल फितर की नमाज को लेकर संदेश जारी किया गया। इस दौरान ये कहा गया कि जनपद आगरा में जिन मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जाती है उन मस्जिदों के बाहर सड़क पर सफ़े नहीं बिछाए जाएंगे, यानी सड़क पर ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी और साथ ही सड़कों पर ईद की नमाज के लिए लाउड स्पीकर भी नहीं लगाए जाएंगे। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस बार मुसलमानों को 30 रोज़े रखने का मौका मिला है और 30 रोज़ों को मुकम्मल करने के बाद कल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे ईद की। और ईद के इंतज़ाम के लिए जामा मस्जिद के अंदर जो धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उससे बचने के लिए नमाजियों के लिए टेंट के इंतज़ाम किए गए हैं, बढ़िया उनकी सफ़ें बिछाने के इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि रोड पे नमाज़ नहीं होगी, अलविदा पे भी नहीं हुई, पूरे शहर में कहीं नहीं हुई, तो उसके लिए जामा मस्जिद के ही अंडर में जो गलियां हैं, जामा मस्जिद के जो मैदान हैं, उन सब में सब जगह इंतज़ाम किए हैं जिससे कि रोड पे कहीं कोई नमाज ना हो और सुप्रीम कोर्ट का।
प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।